दर्शनीय स्थल जिसमें प्राकृतिक भी है, पुरातात्विक भी है, ऐतिहासिक भी है, धार्मिक भी है और आधुनिक भी है, ठीक है। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख किला। तो सबसे पहले पलामू किला। पलामू किला के निर्माण किन राजाओं ने करवाया? तो चेरों के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? चेरों राजाओं ने लातेहार में इस किले का निर्माण करवाया। यहाँ दो किले, एक नया किला तो दूसरा कौन सा है? पुराना किला, ठीक है। पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? प्रताप राय ने। किसने करवाया? पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? पलामू का पुराना किला का निर्माण प्रताप प्रताप राय, राय ने, ठीक है। जो कि किसके समकालीन है? प्रताप राय किसके औरंगजेब समकालीन है? शाहजहां। प्रताप राय, औरंगजेब नहीं, शाहजहां के समकालीन, ठीक है। प्रताप राय जो है शाहजहां के समकालीन है, ठीक है। जबकि नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था, जो कि मतलब औरंगजेब के समकालीन है। आप जाओगे पलामू में तो पलामू किला में दो किले मिलेंगे, एक पुराना किला तो दूसरा नयका किला, ठीक है। तो पुराना किला के निर्माण प्रताप राय ने करवाया, जो कि शाहजहां के समकालीन है। नए वाले किले के निर्माण मेदिनी राय ने करवाया, जो कि औरंगजेब के समकालीन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये औरांग नदी के तट पे, किस नदी के तट पे? औरंगा नदी के तट पे। कौन सा नदी के तट पे है ये किला? औरंगा नदी के तट पे है। इसका मुख्य आकर्षक क्या है? इस किले का मुख्य आकर्षक क्या है, मतलब अट्रैक्शन ऑफ सेंटर क्या है? तो नागपुरी दरवाजा, ठीक है। इस किले के भीतर दाऊद खान ने 1661 में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? दाऊद खान ने। कब किया था? एक मस्जिद का निर्माण करवाया था 1661 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो यह भी पूछ इसी सकता को है उखाड़ पलामू के लेके किला के चला गया था अंदर ना सर, इसी कौन? दरवाजे को उखाड़ के लेके चला गया था ये मेरे ख्याल से। नागपुरी दरवाजा को दाऊद खान। हाँ, इसमें बहुत अच्छा, सारा ये था उस ना, सोना चांदी हीरा वगैरह जड़वाया ये था तो पूरा। दाऊद खान यही था ना जिसको अकबर ने मतलब पटना से भगाया था, बिहार पे कब्जा किया था, वही दाऊद खान है ना। 1675-76 में, पचहत्तर छिहत्तर के आसपास पटना से भागने पे मजबूर किया था दाऊद खान को अकबर के आक्रमण के समय में। और 1680 में बिहार को मतलब 1680 बोले, सॉरी सॉरी सॉरी, वो नहीं, वो आगे चला गया, वो दूसरा दाऊद होगा। वो 1575 की घटना है, क्योंकि 1605 में तक अकबर की मृत्यु हो जाती है ना। आप चलेंगे, हाँ तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पलामू किला के अंतर्गत दो किला है आपको, एक नया किला है, पुराना किला है। नया किला के निर्माण की बात करेंगे तो मेदिनी राय ने करवाया, जो कि औरंगजेब के समकालीन है। पुराना किला के निर्माण प्रताप राय ने, शाहजहां के कालीन है, ठीक है। किला जो है औरंगा नदी के तट पे है। इसका मुख्य आकर्षक नागपुरी दरवाजा है। इस किले के भीतर दाऊद खान ने 1661 में मस्जिद बनवाया। अब आता है चैनपुर का किला। पलामू स्थित इस किले के निर्माण राजा पूरनमल के वंशजों ने करवाई है। किसने करवाई है? राजा पूरनमल के वंशजों ने अच्छा, करवाई है। चैनपुर किला के निर्माण पलामू में है। इस किले के भीतर चैनपुर बंगला नामक स्मारक भी है। यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है? उत्तरी कोयल नदी के तट पे है। अब आता है विश्रामपुर किला। पलामू में चेरोवंशी राजा, ठीक है, तदवन ने इस किले का निर्माण कराया था। इसके निर्माण में 9 वर्ष का समय लगा था, विश्रामपुर किला के निर्माण में, ठीक। किसने करवाया था? तो राजा तदवन ने। अब आता है रोहिला का किला। पलामू के, ठीक है, पलामू के जपला में रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने इस किले का निर्माण करवाया, जो त्रिभुजाकार आकृति में दिखाती है, ठीक है, दिखती है। किसने करवाया था रोहिला किला का निर्माण? ठीक है, मुजफ्फर खान ने, रोहिला सरदार था। अब आता है रामगढ़ का किला। इसका निर्माण रामगढ़ के राजा सबल राय ने किया था। किसने किया था? सबल राय ने किया था, ठीक है। यह मुगल स्थापत्य से प्रभावित है, रामगढ़ का किला। अब आते हैं पंचकोट का किला। धनबाद के पंचेत पहाड़ पर यहाँ के गौवंशी नरेश गौमुखी ने इस किले का निर्माण कराया। पांच दीवारों से घिरे होने के कारण इसे पंचकोट किला का नाम दिया गया है, ठीक है। तो पंचकोट किला के निर्माण किसने करवाया? धनबाद के पंचेत पहाड़ पर यहाँ के गौवंशी नरेश, क्या नाम है, गौमुखी ने, ठीक है, इस किले का निर्माण करवाया। पंचकोट किला कहने का अर्थ यह है कि किला जो है पांच दीवारों से घिरे होने के कारण इसको पंचकोट किला का नाम दिया गया जाता है। बादाम का किला हजारीबाग में इस किले के निर्माण रामगढ़ के सिंहवंशी राजा हेमंत सिंह ने कराया था, ठीक है। इस किले में हेमंत सिंह ने एक शिव मंदिर की स्थापना भी कराई है, ठीक है। कौन सा किला? बादाम का किला, ठीक है, हजारीबाग में है ये किला स्थित। किसने करवाया निर्माण? बंसी राजा, बंसी वंश का राजा, क्या नाम है इसके, सिंह वंशी वंश का, हेमंत सिंह ने। अब आता है हेमंत सिंह पद्मा का किला, ठीक है, यह हजारीबाग में स्थित है। पद्मा का किला कहाँ स्थित है? हजारीबाग में। वर्तमान में इस स्थान को झारखंड सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित कर दिया है। तो पद्मा के किला में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में झारखंड सरकार ने विकसित कर दिया है। अब आते हैं तेलियागढ़ की किला। कौन सा? तेलियागढ़ का किला, ठीक है, यह साहिबगंज के राजमहल पहाड़ों पर स्थित है। इस किलों के बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। झारखंड के किस किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो तेलियागढ़ का किला। कौन सा किला?
तेलियागढ़ का किला। अब आता है जैतगढ़ का किला, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, बैतरणी नदी के किनारे ये किला स्थित है। इसका निर्माण, ठीक है, पुरहट वंश के राजा अर्जुन सिंह ने कराया था। किसने करवाया था? अर्जुन पुरहट वंश के राजा अर्जुन सिंह ने करवाया था, ठीक है। अब आते हैं रातू का किला। यह रांची से 7 किलोमीटर दूर रातू में स्थित है, ठीक है। यह रांची से 7 किलोमीटर दूर रातू में स्थित है। इसका निर्माण 1870 में उदयनाथ सहदेव ने करवाया था, जो अंग्रेजी स्थापत्य से, ठीक है, प्रभावित था। इसमें दो द्वार है, ठीक है, ध्यान रखें। रातू का किला कहाँ है? तो रांची में स्थित है, रातू रांची के अंदर में ही है। इसका निर्माण 1870 में हुआ था। किसने करवाया था? उदयनाथ शाहदेव ने करवाया था, जो अंग्रेजी स्थापत्य से प्रभावित है। इसमें दो द्वार है, ठीक है। पहला द्वार जो है पूरब का द्वार है, यह केवल जन्म और मृत्यु के समय खुलता है। इसके सामने फन कैसल नाम पार्क है, यह तालाब में स्थित है। इसके सामने फन कैसल नामक पार्क है, जो कि तालाब में स्थित है। पश्चिमी द्वार की बात करेंगे तो यहाँ माँ दुर्गा एवं भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर है। इस द्वार पर एक टोप भी रखा मिलता है। स्मरण रहे कि रातू नागवंशी राजाओं का अंतिम राजधानी थी। रातू की बात करेंगे, नागवंशी राजाओं का अंतिम राजधानी थी। अच्छा, रातू किला भी कभी जाएंगे देखने। अब आते हैं शाहपुर का किला, ठीक है। डाल्टनगंज शहर के निकट उत्तरी कोयल नदी पे, उत्तरी कोयल तट पे स्थित। इसका निर्माण 1772 में चेरो राजा गोपाल राय ने करवाया था। शाहपुर किला के निर्माण कहाँ पे? डाल्टनगंज, ठीक है। इस किले में ईंट के द्वारा 3 मंजिला भवन बना था, जिसके प्रथम मंजिल पे कर्मचारी, दूसरे मंजिल पे शीश महल और तीसरे मंजिल पे सभा कक्ष होता था। किले के निकट शाहपुर घाट पर एक मंदिर भी बनाई गई थी। वर्तमान में यह सब टूटी फूटी अवस्था में है, तथा इसके शीर्ष पे तोप और बंदूक फायर के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा? शाहपुर की किला, जो कि टूटा फूटा अवस्था में, लेकिन इसका निर्माण चेरो राजा गोपालगंज ने करवाया था, ठीक है। गोपालगंज नहीं, गोपाल राय। अब आते हैं इचाक किला। रामगढ़ राजा, ठीक है, जिसका नाम है तेज सिंह, ने हजारीबाग में अंग्रेजों से सुरक्षा के हेतु इस किले का निर्माण करवाया, तथा किले के भीतर एक 3 मंजिल भवन बनाया। कौन सा? इचाक किला। अब आते हैं अलीगंज का किला। पाकुड़ जिला में आपको पड़ता है अलीगंज का किला। अलीगंज गांव में स्थित है। इस किले में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस किले से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, अलीगंज के किला से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसलिए किला संथाली एकता में वीरता का प्रतीक है। कौन सी? अलीगंज का किला, ठीक है। तो पूछा कि झारखंड के कौन सा किला संथाली एकता और वीरता का प्रतीक है, तो क्या बताएंगे? अलीगंज का किला। अगर पूछेगा अलीगंज का किला कहाँ है, तो क्या बताएंगे? पाकुड़ में है, ठीक है। अब आते हैं राजमहल का किला। तो ध्यान रखें, 15वीं शताब्दी में अकबर के सेनापति मान सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राजमहल का किला, ठीक है। इस दौरान उन्होंने राजमहल को बंगाल की राजधानी भी बनाया था। इस किले के भीतर एक जामा मस्जिद का भी निर्माण मान सिंह ने कराया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो झारखंड का राजमहल का किला किसने करवाया था? अकबर का सेनापति मान सिंह। अब आते हैं ढाल भूमगढ़ किला। ढाल भूमगढ़ किला क्या है? तो देखेंगे, जगन्नाथ ढाल ने ढाल भूम तथा घाटशिला दोनों स्थानों पर किले का निर्माण कराया। अंग्रेजी अधिकारी फर्गुसन ने ढाल भूम पर आक्रमण के दौरान इस किले को विध्वंस कर दिया। अब आते हैं नारायणपुर का किला। लातेहार से 8 किलोमीटर दूर नवाबगढ़ में अवस्थित इस किले का निर्माण चेरो वंशी शासक भागवत राय के लेखपाल जाज दस के द्वारा कराया गया था। कौन सा? नारायणपुर के किला। कहाँ पे है? लातेहार से 8 किलोमीटर दूर नवाबगढ़ में अवस्थित है ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं केसनागढ़ का किला। पूर्वी सिंहभूमि से दक्षिणी पूर्व केसनागढ़ नामक स्थान पर यहाँ के स्थानीय शासक केसना ने इस किले का, ठीक है, निर्माण कराया था। संभवतः यह किला आगजनी से नष्ट होने के कारण वर्तमान में एक टीले के स्वरूप में उपस्थित है। कौन से? केसनागढ़ का किला। अब आते हैं तिमली का किला। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के तिमली गांव में स्थित इस किले की स्थापना 1737 ईस्वी में की गई थी। कौन सी किला? तिमली का किला। कहाँ पे पड़ता है? तो खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में तिमली के किला आपको देखेगा। इसका निर्माण 1737 में हुआ था। अब आते हैं कुंडा का किला। खंडहर के रूप में तब्दील हो चुके मुगल शैली से निर्मित मीनारों वाला एक किला चेरो वंश शासकों के द्वारा चतरा जिले के कुंडा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। इस किले के प्रांगण में कुआं भी अवस्थित है, जहां पे, ठीक है, सुरंग नुमा रास्ता है, ठीक है। तो कुंडा का किला किस जिला में है, क्या बताएंगे? चतरा में। किसमें है? चतरा जिला में है, ठीक है। चेरो वंशी शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब अरे शत्रु किला। तो नागवंशी शासकों के द्वारा निर्मित किला नागवंशी शासकों की अंतिम राजधानी रातू में स्थित है। शत्रु किला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नागवंशी इतिहासकारों के अनुसार दशहरा पर्व पे होने वाले भव्य मेले के आयोजन पूरा खर्च राजकोष से किया जाता था, ठीक है। तो ये कहाँ पे? ये किला आपको झारखंड रातू में आपको देखने को मिलेगा। जपला का किला की बात करेंगे तो पलामू जिले का ऐतिहासिक शहर जपला। पलामू
पलामू जिले का ऐतिहासिक शहर चपला सोन नदी पर बसा हुआ है। मध्यकालीन खरवार शासक प्रताप धवल की राजधानी थी। वर्तमान में भग्नावशेष के रूप में मौजूद है, मतलब किला जो है मुख्य रूप से अवस्थित नहीं, इसके अंश बस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे मिलेगा चपला का किला? पलामू जिला। गढ़वाल का किला की बात करेंगे तो कहाँ पे है, ध्यान रखेंगे, तो रामगढ़ नागवंश में छठे राजा हेमंत सिंह के द्वारा अपनी राजधानी बादाम से रामगढ़ में स्थानांतरित करने के दौरान सन 1670 ईस्वी में इस किले का निर्माण दामोदर नदी के किनारे कराया गया। ठीक है, तथा वर्तमान में ये किला रामगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। अपने सुसज्जित भवनों, लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजों, किले चारों ओर बने अर्धचंद्रकार कमरों आदि के लिए किला क्या है, विख्यात है। कहाँ पे मिलेगा क्या लिखा, गढ़वांड का किला, तो ध्यान रखे कहाँ पे, रामगढ़ में मिलेगा। ठीक है, रामगढ़ है ना, हाँ रामगढ़ में मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं जगन्नाथपुर का किला। ठीक है, जगन्नाथपुर का किला की बात करेंगे तो मिट्टी का किला है, मिट्टी का किला भी कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण में केवल मिट्टी का प्रयोग हुआ है। तो जगन्नाथपुर का किला एक ऐसा किला है जिसके निर्माण में केवल मिट्टी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आते हैं झारखंड के प्रमुख ऐतिहासिक राजमहल। सबसे पहले नवरत्नगढ़ महल, ठीक है, कौन सा, नवरत्नगढ़ महल। ठीक है, ये गुमला जिले में स्थित है। नागवंशी राजा दुर्जन साल ने जहांगीर की कैद से रिहा होने के बाद अपनी राजधानी दुईस्ता बनाई और इस पर एक 5 मंजिला भवन बनाया, जिसे नवरत्नगढ़ महल कहा गया। इस महल से मुगल परंपरा के तर्ज पे झरोखा दर्शन भी किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे, नवरत्नगढ़ महल में। ठीक है, ध्यान रखिए किसने इसका निर्माण करवाया, तो नागवंशी शासक दुर्जन साल, जो कि किसके कैद में था, जहांगीर के कैद में था। ठीक है, यहाँ पे मुगल की परंपरा जो थी झरोखा दर्शन करना, ठीक है, अकबर ने शुरुआत करवाया, तो वो भी यहाँ से होता था। अब आते हैं नागफनी भवन। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में बनने वाला यह भवन अपूर्ण रहा, पूरा नहीं हो पाया। जिस राजा ने इसके निर्माण का आरंभ किया, वही इसे पूरा नहीं कर सका। ठीक है, गुमला जिले पर नागफनी नुमा चित्र होने के कारण इसका नाम नागफनी भवन पड़ा। नागफनी भवन के दीवारों पर एक राजा, उसकी 7 रानी और कुत्ते का चित्र एक पत्थर पे अंकित मिलता है। ठीक है, नागफनी किला, तो ये पूरा नहीं हो पाया। कहाँ पे है, गुमला जिले पे है। अब आते हैं पालकोट की महल की बात करेंगे। तो गुमला में इसका निर्माण नागवंशी शासक यदुनाथ साने द्वारा करवाया गया था। यदुनाथ साने दोईसा की जगह अब पालकोट को राजधानी बनाया, तभी इस भवन का निर्माण हुआ था, पालकोट महल। अब आता है राजबाड़ी महल। ठीक है, जब पूर्वी सिंहभूम के चक्रधरपुर में स्थित है। इसका निर्माण अर्जुन सिंह के बेटे नागपति सिंह ने राजमहल के ईटों से 1910-20 के बीच कराया था। बाद में राजा की पुत्री शशांक मंजरी ने इसका विक्रय कर दिया, मतलब बेच दिया। ठीक है, ध्यान में रखिए क्या नाम है इसका, राजबाड़ी भवन। ये कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम के चक्रधरपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने, अर्जुन सिंह के बेटे नागपति सिंह ने राजमहल के ईंटों से 1910-20 के बीच में करवाया था, ध्यान रखिए। बाद में राजा के पुत्री शशांक मंजरी ने इसको बेच दिया। अब झरियागढ़ महल, ये धनबाद में स्थित है, जहां झरिया के राजाओं ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, जिसे बाद में, ठीक है, कतरासगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पे, झरियागढ़ का महल कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखें कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, धनबाद में स्थित है। अब आते बहरा गोरा भवन की बात करेंगे, तो पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। इन भवनों का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नील बनाने के लिए किया था, बहरा गोरा भवन का। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे मुख्यतः, हम चलेंगे, ठीक है, मंदिर के ऊपर। 1 मिनट, कॉल ले रहा हूँ।
चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। झारखंड के प्रमुख मंदिर, ठीक है, यही से होगा ना? हेलो, यही सर भाई। झारखंड के सर्व सब सबसे बढ़िया मंदिर तो जानते हैं, एक ही मंदिर जिसमें आप लोग गए भी होंगे, गए हैं ना? कितने लोग नहीं गए हैं? कहाँ नहीं गए नहीं गई है? झारखंड में रहते हुए नहीं गई, बताइए, कितने दुख की बात है। सर, इस बार सर सेंटर दे दे वहीं पे मेरा। नहीं देगा, यहाँ पे स्कूल स्कूल बहुत कम है, ठीक है। सेंटर जमशेदपुर में, रांची में, ठीक है, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, इधर सेंटर देगा, तीन चार जगह पे। अब चलते हैं बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है। बैद्यनाथ मंदिर किस जिला में है? देवघर में है, देवघर। ठीक है। इसको बाबा धाम भी कहते हैं, पता है ना? गिद्दौर राजवंश के अच्छा 10वें राजा राजा पूरनमल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इम्पोर्टेंट है, किसने करवाया था? राजा पूरनमल ने, ठीक है, जो कि गिद्दौर वंश के थे, 10वें राजा थे। राजा पूरनमल के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उसमें से एक माना जाता है, जिसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मनोकामना लिंग भी कहते हैं इनको, ठीक है। मंदिर प्रांगण में 22 मंदिर हैं। अकबर के सेनापति मानसिंह के द्वारा निर्मित एक मानसरोवर तालाब भी यहाँ स्थित है, क्योंकि अकबर के सेनापति मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। मंदिर के गर्भगृह में, ठीक है, अष्टदल कमल के पीछे चंद्रकांत मणि स्थित है, ध्यान में रखेंगे। मान्यता के अनुसार लंका नृत्य रावण शिव का विग्रह रूप जब लंका ले जा रहा था, तो शिव ने अत्यंत भारी होने के कारण उसे यहीं पे विग्रह करना पड़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसा कहा जाता है से लंका के जो राजा जो था रावण, उनको लघु शंका लगी, लेकिन शर्त यही था कि भाई साहब, शिव भगवान को मतलब ना, अगर जमीन पे अगर रखोगे जहां, तो वहीं पे वो रह जाएंगे, ठीक है। इसीलिए किसी एक व्यक्ति को बुलाया गया, बोला गया आप इनको पकड़िए, तब हम लघु शंका करते हैं, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति जो था, शिव भगवान काफी भारी लगा, तो वो मतलब जमीन पे रख दिया, ठीक है, और उसके जमीन पे रख दिया, तो शिव सर भगवान वहीं और पे रह गया। तो उसके बाद समझ में क्यों नहीं आया कि शिवलिंग को वही उठा सकता है जो रावण से ज्यादा बलशाली को, समझ में नहीं आया उसे। हाँ, उसको नहीं समझ में आया भाई, सही बात है। तो उसने मतलब दे दिया, एक चरवाहा को शायद दे दिया, ठीक है। उसका नाम सर बैद्यनाथ ही था, ठीक है, उसी का नाम सर बैद उसी का नाम है, ठीक है, बैद्यनाथ शायद उसी का नाम था। तो बाद में जो सभी लोगों ने मतलब देखा, मतलब तो सभी लोगों ने बोला सर तुमने इसको उठाया था, तुम ही इसका रक्षा करो, ठीक है। तो उन्हीं को रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई, इसी से उसका नाम बैद्यनाथ पड़ गया। बहुत सारा पौराणिक कथा है, लेकिन फिलहाल इतना ही देखिएगा कि पुरानी कथा यही से भाई साहब, रावण जो था शिव का विग्रह रूप को उठाकर मतलब लंका ले जा रहा था, लेकिन शिव जो थे काफी अत्यंत भारी होने के कारण उनको यहीं पे रहना पड़ा, तो यही मंदिर जो बन गया क्या, बैद्यनाथ, ठीक है। देवघर में पड़ता है। गिद्दौर राजवंश के 10वें राजा राजा पूरनमल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब बासुकीनाथ, बासुकीनाथ दुमका में है, ठीक है। कहते ऐसे मतलब कि से इनका बैद्यनाथ धाम का दर्शन करना तभी सफल माना जाता है जब बासुकीनाथ की भी दर्शन करनी होती है, ठीक है। 50 किलोमीटर का दूरी है बैद्यनाथ से। इसका निर्माण बासुकी तांती ने दुमका जिले में कराया था। यह देवघर से बैद्यनाथ से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, गलत लिखा हुआ, ज्यादा दूर है, ठीक है। यह मान्यता है कि जो भक्त बैद्यनाथ धाम का दर्शन करते हैं, बासुकीनाथ की दर्शन भी अवश्य करने जाते हैं। शिव के इस रूप का फौजदारी बाबा कहा जाता है। परंपरा के अनुसार जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब मद्रांचल पर्वत को मथानी और बासुकीनाथ को रसी बनाया गया था। इस मंथन से लक्ष्मी, अमृत, विष आदि की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बासुकीनाथ क्या थे? बासुकीनाथ किसके राजा? सांपों के राजा थे ना बासुकीनाथ। इसका रसी बनाया गया था, मतलब बांधने के लिए, मतलब बासुकीनाथ का प्रयोग किया गया था, रस्सी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। मद्रांचल पर्वत को क्या बनाया गया? मथानी बनाया गया था, ठीक है। अब छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ में मिलेगा, छिन्नमस्तिका, और जहां पर भी छिन्नमस्तिका होगा, उसे माता का सर नहीं होता है, ठीक है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा में, ठीक है, ध्यान रखें, रामगढ़ जिले के रजरप्पा के दामोदर और भेरा मतलब भैरवी नदी के संगम पर यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर में काली इस शरीर से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिस्थापित है, मतलब शरीर अलग होता है, ठीक है। इसी कारण इसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। शारदीय दुर्गा उत्सव में महानवमी पूजा के समय प्रथम बकरे की बलि यहाँ संथाल आदिवासियों द्वारा, ठीक है, दी जाती है। यह मंदिर कामाख्या के शिल्पकला पर आधारित है, तथा तो राज्य सरकार ने इसे राज्य के धरोहर का दर्जा देते हुए इसके निर्माण के लिए विशिष्ट बजटीय सहायता का ऐलान किया। अब भद्रकाली मंदिर कहाँ पे मिलेगा? चतरा में मिलेगा।
ये चतरा जिले के, ठीक है, इटखोरी में स्थित है, ठीक है, इटखोरी भदुली गांव में स्थित है। ये 4.5 × 2.5 फीट की एक पत्थर पर माँ भद्रकाली की प्रतिमा उत्कीर्ण है। इसका निर्माण बंगाल के पाल वंशी राजा महेंद्र पाल द्वितीय ने 9वीं-10वीं सदी में करवाया था। इस मंदिर परिसर में एक यज्ञशाला, 1008 शिवलिंग है, वाह, एक संग्रहालय, ठीक है, कोटेश्वर नाथ का वृक्ष स्तूप स्थित है। भद्रकाली की प्रतिमा, बौद्ध धर्मावली इसे तारा देवी के प्रतिमा मानते हैं, जबकि हिंदू देवी शक्ति के तीनों रूप, सौम्य रूप भी है माता का, उग्र रूप भी है, और काम्य रूप का भी प्रतिरूप माना जाता है। यहां से प्राप्त, ठीक है, त्राम पत्र के आधार पर इस स्थान को 10वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ से भी जोड़ा जाता है। भारत सरकार ने इसे बौद्ध सर्किट पर्यटन स्थल से भी जोड़ दिया है, कौन सा, भद्रकाली मंदिर को। अब आता है पारसनाथ का मंदिर, कहाँ पे मिले, गिरिडीह में मिलेगा, ठीक है। ये जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ है, कहाँ पे, पारसनाथ में, ठीक है। जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है पारसनाथ में, इंपोर्टेंट है, आपको एमसीक्यू के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफी इंपोर्टेंट है। जैन धर्म का मक्का किसे बोलते हैं, तो पारसनाथ को। यहाँ निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर पारसनाथ है। इस स्थल पर जैन धर्म के दोनों शाखाएं श्वेतांबर एवं दिगंबर के मंदिर बने हुए हैं। अब अरे झारखंडी धाम कहाँ पे मिलेगा, तो मिलेगा आपको गिरिडीह गिरिडीह में, या गिरिडीह जिले के, ठीक है, राजधनवार प्रखंड में स्थित है। इरगा नदी के तट पर यहाँ एक, ठीक है, छत विहीन शिव मंदिर है। यस, यहाँ शिवरात्रि के दिन मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस मंदिर का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। परंपरा के अनुसार इसे बैद्यनाथ धाम का बड़ा भाई माना जाता है। किस मंदिर को, झारखंडी धाम को बैद्यनाथ धाम का क्या मानते हैं, तो बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है। अब आते महामाया मंदिर कहाँ पे मिले, गुमला में मिलेगा। गुमला जिले के, ठीक है, हापानुमी गांव में, ठीक है, इसका निर्माण 908 AD में नागवंशी राजा, ठीक है, गंजघट राय ने कराया था। इस मंदिर के पहले पुरोहित द्विज, द्विज मतलब जनेऊधारी हरिहर हरिनाथ थे। इस मंदिर में माँ काली की मूर्ति स्थापित है जो एक तांत्रिक पीठ है। 1458 में नागवंशी शासक शिवदास कर्ण के द्वारा मंदिर में, ठीक है, शेष शैया पर विराजित भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी, महामाया मंदिर, ठीक है। अब आते उग्रतारा मंदिर। उग्रतारा मंदिर कहाँ पे मिलेगा, तो लातेहार में मिलेगा, ठीक है, कहाँ पे, लातेहार में, ठीक है। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के नगर गांव, ठीक है, मंदारगिरी में स्थित एक सिद्धपीठ है। यहाँ काली की कुल देवी उग्रतारा तथा श्री कुल देवी लक्ष्मी एक ही स्थान पर अवस्थित है। यहाँ पश्चिम से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर मंदार शाह का मजार है। पलामू गजेटियर में उल्लेखित है कि रानी अहल्याबाई ने मराठा विजय स्मारक के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, उग्रतारा मंदिर का निर्माण। अब आता है माँ योगिनी मंदिर कहाँ पर मिला, गोड्डा में मिलेगा। ये बारकोपा पहाड़ी पर अवस्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माँ सती की दाई जांघगिरी थी, ठीक है, माँ सती की दाई जांघगिरी थी, ठीक है। यहाँ प्रतिमा के रूप में, ठीक है, जांघ की आकृति का शैल वंश है, ठीक है। माँ सती के बारे में जानते हैं ना, शिव जी की वाइफ थी, ठीक है, जब इनके पिताजी ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ में सबको बुलाया, ठीक है, और मतलब शिव जी को नहीं बुलाया, ठीक है। और जब शिव जी जब इनके कहने पे बहुत मतलब इनको नहीं बुलाया, तो सती जी को नहीं बुलाया था, लेकिन सती जी बहुत हट की तो शिव जी गए, लेकिन शिव जी का वहां पे बहुत अधिक अपमान किया गया, तो सती जो थी गुस्सा में मतलब क्या किए, आग में कूद गई। उसके बाद शिव जी ने उनका मतलब शरीर को लेकर मतलब क्या किया, तांडव नृत्य किया। जब तांडव नृत्य जब किया तो उनका मतलब क्या हुआ, उनका शरीर का बहुत सारा टुकड़ा विभिन्न जगहों पे मतलब जाकर गिरा, तो उसी से मतलब शक्तिपीठ स्थापित हुआ, ठीक है, समझे। तो उसी शक्तिपीठ में से बहुत सारा शक्तिपीठ है, जिसमें से आप लोग जानते हैं कामाख्या वगैरह बड़ा भी एक शक्तिपीठ है। तो जहां जहां पे सती माता का जो मतलब वो शरीर का अंग गिरा, उससे मतलब शक्तिपीठ बना, ठीक है, तो उसी का दाई जांग माना जाता है, इसे यहाँ पे गिरा है, ठीक है, माँ योगिनी मंदिर में, ठीक है, सती माता का दाई जांग गिरी थी। तो ये प्रतिमा के रूप में जांग की आकृति का शैल अंश है। यहाँ भक्त लाल चुंडी चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी प्रार्थना करते हैं। श्रीमती चारुशीला देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और बंसीधर मंदिर कहाँ पे मिलेगा, गढ़वा में मिलेगा। गढ़वा जिला के नगर उटारी नामक स्थान पे अवस्थित इस मंदिर में अष्ट धातु से निर्मित बंसीधर अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। 1885 में निर्मित इस मंदिर में कृष्ण के त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प मुस्कुराते हुए खड़ा दर्शाया गया है। अब आते हैं राम लक्ष्मी मंदिर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पलामू में, पलामू जिले के कोयल नदी के सुल्तानी घाट के निकट, ठीक है, बंभ नदी ग्राम में अवस्थित इस मंदिर में पत्थर से निर्मित राम लक्ष्मण की प्रतिमा स्थापित है। अब 10 शीश महादेव मंदिर, ठीक है, कहाँ पे, पलामू में। पलामू जिले के जापला में सोन नदी के मध्य अवस्थित इस मंदिर का, मंदिर में रावण द्वारा शिवलिंग को लंका ले जाने के समय उठा पाने की असमर्थता को मतलब क्या किया गया, दर्शाया गया, ठीक है,
दशा शीश महादेव मंदिर में, ठीक है। अब आते हैं तपोवन, ठीक है। तपोवन कहाँ पे मिलेगा? देवघर में मिलेगा, ठीक है। देवघर से 12 किलोमीटर पूर्व स्थित भगवान शिव का एक मंदिर है, यहाँ ब्रह्मचारियों के निवास के लिए गुफा है। कहा जाता है कि माता सीता ने यहाँ पे तपस्या की थी तपोवन में। युगल नौलखा मंदिर, नौलखा, ठीक है, देवघर में ही स्थित है, ठीक है, काफी सुंदर दिखता है, मैं गया हूँ, ठीक है। वास्तु शिल्प के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध इस मंदिर का निर्माण 9 लाख रुपए खर्च होने के कारण इसे नौलखा मंदिर कहा जाता है। इसका पूरा खर्चा रानी चारुशिला ने दिया था। देवघर स्थित मंदिर के निर्माण 1936 ईस्वी से 1948 के दौरान बालानंद ब्रह्मचारी के एक अनुयायी के द्वारा किया गया था। इस मंदिर में राधा कृष्ण का युगल मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर जैसे, वाकई में बहुत खूबसूरत है ये, ठीक है, एकदम चमकते रहता है रात में भी, ठीक है। कौलेश्वरी मंदिर कहाँ पर मिलेगा? चतरा में है, चतरा जिले के, ठीक है, हंटरगंज प्रखंड में 1575 फीट की ऊंचाई वाले, ठीक है, कोलुआ पर्वत अवस्थित कई, ठीक है, मंदिरों का समूह को कौलेश्वरी मंदिर कहा जाता है, जहां पशु बलि देने की प्रथा है। कोलुआ पर्वत विध्वांचल पर्वतमाला की एक श्रेणी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। हिंदू जैन तथा बौद्ध तीनों का धर्म का संगम है। कौन, ध्यान रखे, कौन सा पर्वत? ठीक है, कोलुआ पर्वत, तीनों धर्म है, ठीक है, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है। इस पर्वत पर भगवान गौतम बुद्ध की ध्यानस्थ मुद्रा की कुछ मतलब क्या है, परिक्रमाएं हैं, जहां ऋषभ देव पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं स्थापित है। यह कोलुआ पहाड़ से 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी की, ठीक है, तपोभूमि, महापुराण के रचयिता जिनसेन की साधना असली भी है। और हल्दी घाटी मंदिर कहाँ पे मिलेगा? गुमला में मिलेगा, गुमला जिले के, ठीक है, गुमला जिला के पोराम्बे ग्राम में अवस्थित यह स्थान हल्दी घाटो उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नागवंशी शासक एवं रक्सौल के शासक के मध्य भीषण संग्राम हुआ था, ठीक है। कोरम्बो में, ठीक है, 1463 में वासुदेव राय का मंदिर नागवंशी राजा प्रताप कर्ण के द्वारा विधिवत रूप से स्थापित किया गया था। अब तो सूर्य मंदिर कहाँ? बुंडू में है, ठीक है, रांची जमशेदपुर मार्ग पे बुंडू के समीप अवस्थित मंदिर सूर्य की रथ की आकृति का है। स्थानीय साहित्यकार इसकी शिल्पकला के खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी काव्य रचना कहते हैं। देवरी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, देवरी मंदिर, ठीक है, रांची में पड़ता है। देवरी गांव में अवस्थित यह मंदिर रांची जिले के तमाड़ प्रखंड से कुछ दूर है। यहाँ 16 भुजाओं वाले, ठीक है, माँ भगवती की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा के ऊपर शिव की मूर्ति है, एवं उसके आसपास लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक एवं गणेश की प्रतिमाएं हैं, ठीक है। इस मंदिर की, ठीक है, इस मंदिर की पाहन पुजारी होता है, इस मंदिर में एक पाहन पुजारी होता है जो मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिनों तक पूजा करता है। मंगलवार को ब्राह्मण पुजारी द्वारा पूजा जाता है। यहाँ पाहन पुजारी द्वारा दशहरा के अवसर पर पशु बलि देने की भी मतलब अनोखी प्रथा है, ठीक है। अब आते हैं, देवरी हो गया, अब आते हैं पंच परगना के प्राचीन मंदिर, ठीक है, रांची में है। पंच परगना के अंतर्गत आने वाले अर्की, सोनाहाटू, सिल्ली, बुंडू और तमार प्रखंड में मुंडा जनजाति, शराख, जैन धर्म मानने वाले आदिवासी जो थे, शराख है, ठीक है, और अन्य प्रकार की गैर जनजाति की मिश्रित जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं टांगी नाथ मंदिर कहाँ पे पड़ेगा? गुमला में पड़ेगा। स्थानीय भाषा में फारस को टांगी कहने के कारण इस स्थान का नाम टांगी नाथ बना। फरसा को टांगी कहने के कारण इस स्थान का नाम टांगी नाथ पड़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस धाम, यह धाम गुमला जिले के, ठीक है, अनेक जंगलों में, ठीक है, मझगांव की पहाड़ी पर अवस्थित है। पशुपत संप्रदाय के भगवान परशुराम का फरसा गरा होने के कारण इस स्थान को काफी प्रसिद्धि प्राप्त है। मानता है कि यहीं पे परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ की स्थापत्य कला केदारनाथ धाम से मिलती जुलती है, ठीक है, कहाँ पे? टांगीनाथ मंदिर गुमला गुमला में है, ठीक है। अब आते हैं बोरया मंदिर, रांची में पड़ेगा। यह मंदिर एवं शिवलिंग के साक्ष्य मौजूद है, ठीक है। 1665 में राजा रघुनाथ शाह के सहयोग से निर्मित यह मंदिर कांके के, ठीक है, बोरेया गांव में अवस्थित है। यह मंदिर 17 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। बोरेया मंदिर रांची से 8 किलोमीटर दूरी राधा कृष्ण का भव मंदिर मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शिलान्यास बोरेया के लक्ष्मी नारायण तिवारी ने किया था। और जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, इस मंदिर पे मैं गया था घूमने, इसका फोटो मैं आप लोग से शेयर करूंगा, ठीक है। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। नागवंशी शासक ठाकुर सेनी के द्वारा 1691 में निर्मित ये मंदिर, ठीक है, रांची से 10 से 12 किलोमीटर दूर, ठीक है, जगन्नाथ की छोटी पहाड़ी पर स्थित है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तट पे 100 फीट ऊंचे मंदिर की स्थापना की गई है। आषाढ़ मास में रथ का सवार निर्वाण, यहाँ पे रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यहाँ एक भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं कन्हैया स्थान मंदिर कहाँ पे पड़ेगा? साहेबगंज में है, ठीक है। अब देखिए, चैतन्य भक्तों के अनुसार महाप्रभु बंगाल से लौटते समय, चैतन्य महाप्रभु
भगवान श्री कृष्ण से उनका सस्ता मतलब क्या होता सस्ताकार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के समर्पित मंदिर राजमहल से थोड़ी दूर गंगा पे अवस्थित है कन्हैया स्थान का मंदिर, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन का जन्मदाता भी माना जाता है। ज्यादा मंदिर नहीं दे दिया है, हो पाएगा खत्म आज? नहीं सर, तो वैसे फिर क्लास होना है। 40 मंदिर है, कितना है 45 मंदिर। देखते हैं। चंचगांव, ठीक है, चंचगांव की बात करेंगे तो ये आपको धनबाद में पड़ता है। घटवाल राजा महेश्वर द्वारा निर्मित आधा मील लंबे और चौथाई मील चौड़े मंदिर क्षेत्र में लगभग 16 मंदिरों का अवशेष मिले हैं, ठीक है। चंचगांव धनबाद में यह मंदिर समूह, ठीक है, धनबाद जिले के, ठीक है, कतरास से, ठीक है, 16 किलोमीटर दूरी पर दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ सबसे विशाल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दिगंबर जैन मंदिर की बात करें कहाँ पे है, रांची में है, ठीक है। 1920 में निर्मित इस द्वितलीय मंदिर के निचले तल से 3 बेदियों पे, ठीक है, जिनेश्वर प्रभु की प्राचीन प्रस्तर मूर्तियां स्थापित है। दालमी मंदिर की बात करें धनबाद में पड़ेगा, यह धनबाद जिले में 17वीं शताब्दी से निर्मित मध्यकालीन विष्णु मंदिर है, ठीक है। यहाँ मदन रीति की आलिंगन मुद्रा में विशाल प्रतिमा है। यहाँ भगवान कार्तिकेय का भी मंदिर है, ठीक है, दालमी मंदिर में। अब आते हैं तेलकुप्पी मंदिर, कहाँ पे पड़ेगा, धनबाद में पड़ेगा। ये तेलकुप्पी नामक स्थान पर 13 मंदिर है जहाँ अनेक देवी देवता की मूर्तियां प्रतिष्ठित है, ठीक है। यह दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ प्रधानतः भगवान शिव का मंदिर है। मंगल चंडी मंदिर कहाँ पे पड़ेगा, बोकारो में पड़ेगा। बोकारो जिलों के, ठीक है, बगदा ग्राम समीप आस्था के इस केंद्र में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। ध्यान में रखिएगा, मंगल चंडी मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यहाँ साप्ताहिक मेले में केवल पुरुष ही प्रतिभागी होते हैं तथा प्रत्येक मंगलवार को बकरे की बलि चढ़ाकर उसका प्रसाद वितरण किया जाता है। ठाकुरबाड़ी मंदिर मनोकामना सिद्धि का केंद्र, भगवान शिव के सफेद ज्योतिर्लिंग वाला यह 500 वर्ष पुराना मंदिर है। पाकुर साहेबगंज मार्ग पे, ठीक है, 12 बाग तालाब के सामने अवस्थित है। कृष्ण, हनुमान, गणेश, पार्वती, काली माता, माता काली सहित भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित होने के कारण इसे ठाकुरबाड़ी भी कहा जाता है। अंजना ग्राम मंदिर कहाँ पे मिलेगा, गुमला में मिलेगा। गुमला जिले में अवस्थित इस मंदिर में राम भक्त हनुमान की माता अंजना की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ पे और यही स्थान हनुमान जी की जन्म स्थली होने का भी प्रसिद्ध है, ठीक है, मतलब यहीं पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस मंदिर की कतार में 8 भव्य शिवलिंग और भगवान शिव, भगवान विष्णु एवं माँ दुर्गा की प्रतिमाएं भी क्या है, स्थापित है। कितना है ये, 45 है, नहीं, 45 है। ठीक है ना, मंदिर पूरा करवा देते, केवल करवा देने इसको, केवल मंदिर को। फिर ठीक मेंस के क्लास का टाइमिंग हो जाएगा सर। है तो कल ही रखते हैं यहाँ से, ठीक यस है, चलो ऐसे खत्म ही हो, ज्यादा नहीं है इसमें। अब कितना क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, 84 को क्वेश्चन है, कल खत्म करेंगे, नया वाला पीडीएफ आज आप लोगों को मिल जाएगा।